अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस मज़ेदार रेसिपी को मिस ना करना, हमारी वीडियो एंड तक देखें और जानें ये मज़ेदार सी स्पाइसी रेसिपी कैसे बनी थी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने मैक्रोनी ले लिए हैं। मैक्रोनी को हमने पहले बॉयल करना है। हमारे पास ये थोड़ी सी मैक्रोनी है, तो इसके साथ साथ हम दूसरे शेप की, मतलब दो शेप की मैक्रोनीज हम ले लेंगे और उसको हम बॉईल करेंगे। एंड प्याज हमने ले ली है 4 से 5 अदद। प्याज को हमने काट लिया है। इसके साथ हमने लिया है 1 अदद टमाटर, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने 1 पाव के करीब चिकन ली है और चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ हम स्पाइसेस की तरफ जाते हैं। स्पाइसेस में हमने लिया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। इसके साथ साथ हम ले लेंगे शंग्रीला की केचप हमने ली है, आप कोई से भी केचप यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच। इसके साथ साथ पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है, पिसी हुई लाल मिर्च हमने लेनी है 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। नमक 1 चम्मच और शान का बिहारी कीमा मसाला हमने ले लिया, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बिहारी टेस्ट देना है। सॉसेस में हमने लिया है चिली सॉस, चिली सॉस भी हम 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। विनीगर हमने लिया है, विनीगर भी 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। और सोया सॉस हमने लिया है। ये सब हम जब मैक्रोनी बनेगी तब ऐड करेंगे। और साथ ही हमने एक कोयला ले लिया, क्योंकि हमें इसको स्मोक देना है। पतीले में हमने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। तेल को हमेशा अच्छे तरीके से पहले गरम होने दिया करें, इसके बाद ही आप कोई चीज़ ऐड किया करें। हमारा तेल गरम हो चुका है, इससे क्या होता है आपकी कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब हमने इसमें प्याज डाल देनी है। प्याज डालकर इसको हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाए। प्याज को हमने लाल नहीं करनी है, इसको लो फ्लेम पे हमने ब्राउन करना है। प्याज हमारी ब्राउनिश हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन का पानी सूखने तक हम इसको प्याज में अच्छी तरह भूनेंगे। पहले चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। देखें चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। हम इसमें अब लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। अब इसको दोबारा अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि पेस्ट जो है वो अच्छी तरह मिल जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च, शान का मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह मिलाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि सारे मसाले, प्याज, मुर्गी वगैरह सब अच्छी तरह पक जाएं। चिकन अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुकी है। चलते हैं मैक्रोनी की तरफ। मैक्रोनी के लिए हमने पानी बॉईल कर लिया है। पानी बॉईल करने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऑयल डालेंगे, ताकि मैक्रोनी जो है वो आपस में स्टिकी ना हो जाएं। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, तो पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारी पक चुकी है। ईजी इसमें फोक जो है वो इन हो रहा है, तो ये हमारी मैक्रोनी पक चुकी है। पानी हमने रिंस ऑफ कर लिया है।
अब इसकी एक ट्रिक है, कभी भी मैक्रोनी आपकी स्टिक नहीं होगी अगर आप पानी निकालने के बाद, मैक्रोनी का अपना बॉयल पानी जो हम करते हैं वो निकालने के बाद आप इसमें बिल्कुल फ्रीज़र का जो पानी होता है ठंडा ठंडा पानी वो अगर हम इसमें डालें और उसको भी रिंस ऑफ कर दें तो हमारी जो मैक्रोनी है वो स्टिकी नहीं होगी। हमने ये तरीका दो बार किया है, दो बार हमने पानी ठंडा ठंडा पानी इसमें ऐड किया है। अब मसाले में डालेंगे हम सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा विनीगर डाल देंगे, साथ ही साथ शनगेड़ा की हमने जो केचप ली है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो मज़ीद ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें कोयला देखें, हमने लाल कर लिया था, कोयला इसमें डाल के इसमें थोड़ा इसका स्मोक देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और ढक्कन ढक देंगे। इसके मसाले पे हमारा स्मोक लग चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी आप देखें अब भी हमारी स्टिकी नहीं हुई, हर एक एक मैक्रोनी अलग अलग है। ये टिप आप सब लाजमी ट्राई करें, कभी भी आपकी मैक्रोनी स्टिक नहीं होगी। मैक्रोनी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे कि मसाला सारी मैक्रोनीस पर लग जाए। थोड़ी देर चूल्हे पर रख देंगे और उसको डिश आउट करेंगे। मैक्रोनी हमारी तैयार है। गार्निशिंग के लिए आप जो चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें केचप ऐड किया है, चिलीज़ ऐड कर ली है हमने क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी पसंद है। इसके साथ साथ हम इसमें धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। वाओ, इट लुक्स सो यमी। गार्निशिंग भी हो चुकी है और हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कि आपकी मैक्रोनी कैसी बनी थी। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और थम्स अप कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।